हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ प्राची होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AS11 द इफेक्ट इन चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो गाइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो रहते हैं, जैसे रुपी से डॉलर एंड डॉलर से रुपी, तो एक रेट होता है ना। तो गाइस, अगर वो चेंज होता रहेगा तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस में, हम लोग वो डिस्कस करने वाले आज। ठीक है, तो देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मीनिंग। जो स्टैंडर्ड है ना, वो किससे डील करेगा बोलता है, वो बोलता है कि ऐसे जो भी इश्यूज आ रहे हैं हमारी लाइफ में, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, फ्रेंडशिप इश्यूज आते हैं, फैमिली इश्यूज आते हैं, वैसे ही आते हैं हमारे स्टैंडर्ड में कुछ इश्यूज जो कि होते हैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, और हमको उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम एक्सचेंज रेट क्या रखें। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमको हेल्प करता है इसे डील करने में। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन उसका नेचर डिसाइड करेगा, वो उसका इफेक्ट बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा। ठीक है, और किस टाइप के फॉरवर्डिंग नेचर से रिलेटेड हमको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये भी हमको स्टैंडर्ड बताएगा। क्लियर, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करेंगे अब इसका, हमारा इनिशियल रिकग्नाइजेशन कैसे होगा, जो भी रेट रहेगा उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अप्लाई करेंगे जो भी रेट है उसको, देन मॉनेटरी एलिमेंट्स आइटम्स। ठीक है, तो मनी हेल्ड और असेट लाइबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड, फिक्स्ड और डिटरमिनेड अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल बिल रिसीवेबल डेटर एंड बिल्स पेबल। ठीक है, तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मतलब एक होता है पैसों से रिलेटेड, एक होता है बिना पैसों का। ठीक, तो पैसों से रिलेटेड रहेगा तो क्या हो सकता है, वो BR हो सकता है आपका, DR हो सकता है, BP हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको अपन को फिक्स रहेगा कि इतने समय पे करना है, इतना अमाउंट पे करना है, सब कुछ फिक्स रहेगा। बट अगर नॉन मॉनिटरी है तो वो होगा बाटर सिस्टम टाइप का। बाटर सिस्टम पता ही होगा, उसमें अपन एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज करते थे, उस टाइप से होगा। ठीक है, तो नॉन मॉनिटरी होगा, मतलब उसमें फिक्स्ड असेट्स का लेन देन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते तो उसके हिसाब से रिकग्नाइज करेंगे ना अपन। तो देखो ट्रीटमेंट कैसे लोगे अब आप देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ फॉरेन, फॉरेन का जो भी डिफरेंस होता है, जो करेंसी में डिफरेंस आता है ना, वो हम लोग सबसे पहले तो PL में ही लेंगे। ये तो अपने को फाइनल हो गया। ठीक है, PL में ही अपन को इसको लेना है। बट एक्सेप्शन इसका कुछ, जैसे कि अगर कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है फॉरेन सॉरी इस ट्रांजेक्शन में और रिजर्व बन जा रहा है वो, तो उसको नहीं लेना। मतलब मैम नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनकमिंग हो रही है बहुत सारे फॉरेन करेंसी की, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिजर्व बना के रखते जा रहे हो। ठीक है, और आप उसको एक्यूमुलेट इकट्ठा करते जा रहे हो, तो उसको अपन को पार्ट नहीं करना है हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। ठीक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो भी हम लोग को लॉन्ग टर्म करेंसी मॉनिटरी आइटम्स में हो रहा है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म नेचर का हो रहा है, उसको भी अपन को इस कैश के अंदर नहीं लेना है। क्लियर, हम लोग का जो पैरा 46 है, वो हमको बोलता है कि जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आइटम्स होते हैं उसका कैसे लेना है। अभी मैं बोली ऊपर की नहीं लेना है, तो कैसे लेना है बताते हैं। देखो, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एसेट्स, ऐड और डिडक्ट फ्रॉम डेप्रिशिएबल एसेट्स। मतलब क्या करोगे, अगर वो डेप्रिसिएटेबल एसेट्स से रिलेटेड है, मतलब मैम मतलब मशीनरी है, अगर वो मशीनरी है तो वो ऑब्वियसली बात है डेप्रिशिएट होगी, डप्रिशिएट होगी तो वो ऐड भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है। ठीक है, किस में होगी, डेप्रिसिएबल एसेट्स में होगी। मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसे लेंगे अपन, ऐड या माइनस करेंगे, मतलब गेन और लॉस जो भी होगा। क्लियर, और डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ असेट लगाएंगे, तो अपन ओवर द लाइफ लगाते हैं डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल सी बात है। अदर्स में क्या लेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे अपन फॉरेन करेंसी आइटम्स को रिजर्व की तरह। ठीक, और एमोटाइज करेंगे लाइफ, मतलब जो असेट की समझ लो 10 साल लाइफ है, तो उसमें पूरे में एमोटाइज कर देंगे उसको। क्लियर हुआ, ठीक है, ये वही ऊपर में जो था ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल करेंसी मॉनेटरी आइटम, उसको शॉर्टकट में लिख दिया है। तो अगर वैसा कुछ होगा, तो इफ असेट्स और लाइबिलिटीज एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, अगर वो एक्सप्रेस होती फॉरेन करेंसी में प्लस वो ज़्यादा है 12 महीने से, तो ही अपन उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर करते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म मानने का यहाँ पर प्रोविजन दिया कि कब लॉन्ग टर्म मानेंगे, जब वो 12 मंथ से ज़्यादा हो प्लस वो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस हो। तो इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, मतलब यहाँ पर अपना हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट होता है। अब अपन बुक्स में जंप करेंगे। चलो, बुक के हिसाब से गाइस AS11 जो है
वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर होता है। इसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं किस ट्रांजेक्शन की जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होती है, क्लियर। और उसको कैसे रिपोर्ट करना है, इंक्लूड करना है, ये सब हमको पता चल पाता है, ठीक है। किस डेट पे अपन उसके ट्रांजेक्शन को लेंगे, किस रेट पे लेंगे और वेटेड एवरेज, ये सारी चीज़ अपन इसमें सीखेंगे। ये मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्लोजर क्या देना रहता है इसमें अपन को, जो भी अमाउंट है अपने एक्सचेंज का वो बताओगे, ठीक है। क्या एडजस्ट कर रहे हो कैरिंग अमाउंट में वो बताओगे, क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिकनाइज कर रहे हो पीएल में वो बताओगे, एंड क्या रिस्क है इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा। अब अपन इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उस पर जंप करते हैं। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपने गुड्स खरीदा है $1,00,000 का, जब रेट था 64.60, क्लियर हुआ, तारीख दिया हुआ है। एक्सचेंज रेट हम लोग का ईयर एंड में क्या था, ईयर एंड में हमारा एक्सचेंज रेट था 65, हम लोग जब पे कर रहे हैं तब उसका रेट था ये। आपको गेन और लॉस बताना है दोनों साल का, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखो सबसे पहले आपने जब खरीदा था सामान उस समय तो 1,00,000 रेट था, तो आपके हिसाब से आपको इतना पे करना है, ठीक है। एंड मतलब साल एंड होते तक उसका ये हो गया, लाइक रेट बढ़ गया, ठीक है। तो अपन उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा 40,000 का वो हमारा लॉस हुआ। क्योंकि आप सोचो ना, आप क्या कर रहे हो अभी, आप बोले कि मैं क्या करूँगी, परचेज करी थी जब 64.6 का था। आप सोचो कोई सामान आप कब सस्ते में खरीद रहे हो, ये लो प्राइस आपका, और आपने ईयर एंड तक पे ही नहीं किया, तो ये प्राइस हाई हो गया, रेट हाई हो गया, तो आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट बताओ। क्लियर सी बात है मैम, पहले कम प्राइस था अब ज़्यादा हो रहा है तो लॉस होगा, इसलिए यहाँ पर लॉस हुआ 40,000 का, ठीक। जब हम पे करने की बारी आई तब तो और 50 पैसा बढ़ गया, तो और लॉस हो जाएगा। तो देखो अब टोटल लॉस कितना होगा, हमको डील कर लेना चाहिए था 64.60 में, बट हमारा जो डील है वो हम लोग का 65.50 में हो रहा है। अब इसमें 2 साल का डिफरेंस आ गया, इसलिए यहाँ पे हमको ईयर एंड वाला रेट लेना पड़ेगा। अगर साल का डिफरेंस नहीं आता तो हम लोग नहीं लेते, तो 50 पैसे का हम लोग को लॉस हो रहा है, ठीक है। 50 पैसा इंटू 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 क्या था, 1,00,000 का अपन $1,00,000 का सामान खरीदेंगे, देखो यहाँ से लाए, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000 का लॉस। जो लॉस रहता है वो हमेशा डेबिट होता है पीएल अकाउंट में, तो आप डेबिट कर दीजिएगा। आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन में। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया एक मशीनरी हमने खरीदा है जैसी साल चालू हुआ 1,00,000 रुपए की, ठीक है, $1,00,000 की, सॉरी, क्लियर। हमने 50% पे कर दिया उसी दिन, मतलब 50,000 आपने पे कर दिया। देन आप बाकी के 25,000 जो बचे थे, और जो 25,000 बचे थे वो भी आपने पे कर दिया, जल्द से जल्द डेट में दिया हुआ है, हर साल आप पे कर रहे हो, क्लियर। हमको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% के हिसाब से SLM में लगाना है, ठीक है। तो SLM में डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक। देन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 60 रुपीज़ था, $1,60 के हिसाब से था सबसे पहले तो, एंड देन बाद में वो 68 हो गया जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा, ठीक है। तो हमको PL अकाउंट में एंट्री पास करना है, हम लोग को कब का करना है, 2016 का करना है, क्लियर। चलो देखते हैं, $1,00,000 का आपने सामान खरीदा जब 60 रुपीज़ का रेट था, तो आप 60 लाख हो गया, डेप्रिसिएशन इसका 10% लगाना है हम लोग को, तो कितना होगा, 6 लाख, क्लियर हुआ यहाँ तक। देन ओरिजिनल कॉस्ट हमारी ये हो गई, रिवाइज कॉस्ट निकालना पड़ेगा 68 के हिसाब से, तो कितनी हो जाएगी, 68 के हिसाब से निकाल लो, तो मतलब 8 रुपीज़ का जो आपको है डिफरेंस आ रहा है, 68 माइनस 60, 8 का है डिफरेंस, तो 8 इंटू 1,00,000 कर दोगे, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 25,000 लिया है, 25,000 क्यों लिया है, क्योंकि गाइस आपको क्या करना है, ये वाला 25,000 लेना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का, क्लियर। और 8 रुपीज़ को ले रहे क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेट 8 रुपये से बढ़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे 2,00,000 रुपये आ गया, समझ गए यहाँ तक, समझ गए क्या, ठीक है। तो पहले का हम लोग का 60, ठीक है गाइस, तो आप इसको पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे 25,000 नेक्स्ट ईयर का था तो हम लोग उसके हिसाब से लिए, यहाँ पे 8 से लिए ना, आप इसको 68 लेके भी कर सकते हो, बाद में फिर आपको अलग से 8 की एंट्री करके 2,00,000 लाना पड़ेगा,
इसमें क्या किया, पीएल अकाउंट में डायरेक्टली जितना लॉस जाने वाला है, क्योंकि बाकी तो लॉस नहीं है ना हमारा, 8 रुपीज का लॉस आएगा, जो लॉस रहेगा वो क्या होगा, पीएल अकाउंट में डेबिट होगा, तो उसी का हम लोग इफेक्ट ले रहे हैं डायरेक्टली। तो कैसे लेंगे, 25,000 हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर देख सकते हो आप, उसका इंटू 8 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लॉस का 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का 2 लाख आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर। 60,000 प्लस 2 लाख हो जाएगा अपना टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। समझ गए यहाँ तक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 60 लाख अपन ने लिया है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। अब आप सोचो ना, यहाँ पर हमारा, यहाँ पे अपना 50% था, अब वो आधा हुआ, तो डेप्रिसिएशन भी आधा हो जाएगा ना, इसलिए डेप्रिसिएशन आधा हो गया, तो यहाँ 9 लाख आ गया डेप्रिसिएशन, क्लियर। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई है, 51 हो गई एज ऑन डेट। 2 लाख का अपने को लॉस हुआ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, ही समझ गए होगे आप, 8 रुपये इंटू 25,000 होगा नहीं, ठीक। फिर अपना फाइनल आंसर आ गया ये, ठीक है। अब अपन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ गिवन है, ठीक है, कैसे करेंगे, 60 लाख का सामान था, 10% के हिसाब से लगाना है 6 मंथ का, तो इतना आया। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट मंथ है उसमें अपन को ये वाला अमाउंट लेना है, क्यों लेना ही है? हो जाएगा डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए हमको दिया हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रहती है वो हिस्टोरिकल बेस में करते हैं, जब अपन फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं तो वो हम लोग को लाइफ के हिसाब से लेना पड़ेगा। पहले हमारे पास 10 साल की लाइफ थी, अब समय कम हो गया है, समय के साथ हमारे पास सिर्फ 8.5 ईयर्स बचे, इसलिए अपन 8.5 लेके कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखो गाइस, पीएल अकाउंट में तो आप लोग एंट्री कर ही लोगे, 60,000 की कॉस्ट थी, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, यह हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज लॉस 62 हो गया ये, ठीक है। फिर अपना टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया है ना, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा पीएल अकाउंट में, ये सब तो आ गया होगा समझ में। तो इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।